हम तो कह रहे हैं कि आपको क्या अमेरिका में पक्की हो गई है, बताएं। ब्रेकिंग न्यूज, सोफिया अहमद अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी है। अब ये ऐसे बना ठना बैठा है ना, इससे ना जाए, इससे मेरे जॉब पे होता है। है ना, जैसे मेरे तो पांव नीचे से हैं। हाँ जी, ये कौन है? मैं हूँ। आप कौन है? अदाकार। ओए होए होए, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? वो एक्चुअली मैं आई थी शॉपिंग करने के लिए। अच्छा। ये 3-4 घंटे का ट्रेवल करके। अच्छा। तो फिर शॉपिंग करके मैं थक गई, तो ये देखिए कितना कुछ मुझे यहाँ पर खाने को मिल गया। अच्छा। ये खास तौर पे जो है ना, ये मैंगो बोतल है। किसके चैनल पे आप बैठी हुई है इस वक्त? मेरा ख्याल है कि मैं आहत के चैनल पे हूँ। आहत मेरे चैनल से तो किया नहीं लगी। क्योंकि मैं इंस्टा से बहुत कम लाइव आता हूँ। अच्छा। बाकी आते ही नहीं हुआ तो। असल में मेरा YouTube का अभी रिसेंटली हुआ है। मैं लाइव जा सकती हूँ, मुझे इजाजत नामा मिल गया। हाँ जी। तो मैंने एक उसकी ट्रायल की थी YouTube की ना, उससे मेरा हल्का कुछ कुकिंग शुकिंग करी थी। अच्छा। फिर शायद कि मैंने, अगर YouTube हमें ड्यूएट करने देता है तो हम लाइव करें। हाँ, दोनों करना चाहिए। लाइव शोज आपके बड़े मजे के हो सकते हैं। हम दोनों के तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं साथ में जरा दही भल्ले खा लूं। हाँ जी। देखिए, वो कहते हैं ना कि खाते पीते अगर मौत आती है तो कोई बात, कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि खाया। कल आहत मैंने, मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी हुई थी, उसमें एक जिंदा क्रैब था जो पानी के अंदर डाला हुआ था। वो उबालते है ना क्रैब्स को, तो वो बेचारा पानी के अंदर उबल रहा था और उसके बाद से छली पड़ी हुई। अच्छा। मेरा हाला कुछ चाइनीज डिश बन रही। आप मेरे व्यूवर्स को तो बताएं ना, आप कहां से होके आ रही हैं? सैन फ्रांसिस्को से होके आ रही हैं क्रैब्स, इसलिए तो बातें हो रही, टॉपिक छेड़ रहा। सैन फ्रांसिस्को गई थी जी, हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे, और ये मेरा प्यारा सा बेटा है, ये मेरी छोटी सी मुन्नी सी बहन है, और वो मेरे प्यारे से सैन फ्रांसिस्को हम गए थे और हमने खूब एंजॉय किया। बहुत दिनों के बाद, स्पेशली पेंडेमिक खत्म होने के बाद जो है, वो मेरा ख्याल है ये हमारा तो पहला ट्रिप था प्रॉपरली जो हम घर से इकट्ठे सारे निकले, और हम बहुत मजे के साथ सारा ही सैन फ्रांसिस्को कोशिश कहेंगे कि भाई आहत पता नहीं नजर नहीं आ रहा। अरे मेरा मुंह इतना बड़ा है बीच में। देखा, जिसके हाथ में फोन होता है ना उसका मुंह हमेशा बड़ा नहीं, मेरा हो गया साइज, लेकिन शुक्र है मेरा छोटा हो गया। मैंने क्योंकि वेट गेन कर लिया ना अभी, मेरे से ज्यादा कोई नहीं कर सकता भाई, मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा जो वो वेट गेन करेगा अभी, क्योंकि सूफिया साहिबा अदाकारा मोहतरमा सूफिया साहिबा जनाबा 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 पाकिस्तान पाकिस्तान की मशहूर पर्सनैलिटी। पाकिस्तान की तो मशहूर थी कि नहीं, लेकिन दुनिया में काफी मशहूरी होगी मेरी। अच्छा, ये मैंने रैंडमली स्टार्ट कर दी है, वैसे माइंड अभी मूड नहीं था क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए मेरे पास आई है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को इनका टूर था, और मैंने कहा कि आपने मेरी तरफ से होके जाना है, और मुझे बड़ा अच्छा हो गया वीडियो बनाए हुए आज, इनको देख के थोड़ा मेरा भी मूड कर पड़ा। मैं असल में देखिए व्यूअर्स, मैं इसको पूछने आई हूँ कि भाई ठीक हो, खैरियत है, क्या बात है, वीडियो नहीं बना रहे, व्यूअर्स को ना पता क्या हुआ, तो मैंने आज इसको पूछना था ये कि भाई चक्कर क्या है, ये क्या चक्कर है, क्या हो क्या रहा है, मुझे बता दिए, अब आप मेरे मेरे साथ शेयर करनी है यूट्यूब पे। अच्छा, खाली लिंक लूंगा ना देना। और अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दूं, इसे बनाओ और मेरी यूट्यूब पे शेयर करो, और बाद में मेरे पे केस ना कर देना। आपको याद होगा जो हम लोग लास्ट ईयर मिले थे ना, तो हम लोगों ने भेलपुरी का मुकाबला किया था। नहीं, हमने किया था गोलगप्पा चैलेंज किया था, और इसलिए मैंने आपको, चलो मैंने कहा चलो दही भले लेते हैं थोड़े से।
क्योंकि बहुत जल्दी में है जी, अब जाहिर बात है स्टार है तो हमें कहाँ लिफ्ट कराएंगे। स्टार मजदूरियां करने वाले, अभी तो जब इसने शुरू किए वीडियो में यही कह रही थी कि भाई मैं तो मेरे पांव दुखते हैं, जब सुबह उठो ना जमीन पे पांव रखो तो ऐसे लगता है कि किसी ने पांव की हड्डियां तोड़ी हुई है। कितने दे स्टार और कितने हो गन्ना। अच्छा अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आप बड़े बड़ों के कस बल निकल जाते हैं, आपके चक्के जुट जाते हैं, और शुरू के जो दिन होते हैं ना, जो आप जो शुरू के साल होते कुछ साल होते हैं वो बड़े स्ट्रगलिंग होते हैं, तो माइट बी आपका भी क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर, अभी फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट सेकंड ईयर चल पड़ा, लेकिन हम लोगों ने जब से काम शुरू किया हुआ है। रवीन तो करेंगे, आप पक्का अमेरिका में पक्की हो गई है, बताएं ब्रेकिंग न्यूज, सोफिया अहमद अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी है। मैं अमेरिका शिफ्ट हो गई हूँ, हमारे कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन हम आपको आगे का एड्रेस नहीं बता सकते। सारे कहने के सामने पर लिंक दे दो जी, लोकेशन पे नहीं, मुझे किसी ने कहा है, उसने कहा जी आप छोड़े, आपको ढूंढना कोई मुश्किल काम है, हमने आपको ढूंढना होगा तो हम कैलिफोर्निया का भी आपका एड्रेस ढूंढ लेंगे। मैंने कहा अच्छी बात, लेकिन मैं आपकी बात का हाँ जो बात करें ना बिल्कुल ठीक है, शुरू के जो चार पांच साल होते हैं ना, मैंने मेरा अपने एक एस्टिमेट था कि शुरू के पांच साल जो है वो किसी भी इमिग्रेंट के लिए किसी भी मुल्क में बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन आसानियां हो जाती हैं चार पांच साल के बाद उन लोगों के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, फोकस रहते हैं। और देखिए अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ये नहीं है कि यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर काम करने की हिम्मत होना, करेज होना और रिस्क लेने की थोड़ी दिलेरी जो है ना वो बड़ी जरूरी है। लाइक मैंने एक साल पहले जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम ट्राई किए, लेकिन उसके साथ साथ एक काम था जो मैं करती रही और वो था जीईडी का एग्जाम। जीईडी का एग्जाम इसी तरह जैसे हमारा वहां पर मैट्रिक होता है, यहाँ पर अगर आपने जीईडी पास कर ली है तो फिर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, पर ये हर बंदे का अपना एक्सपोजर है, कोई पढ़ाई में जाना चाहता है, कोई किसी और तरफ। मैंने वो जीईडी का एग्जाम किया और बहुत मजाक बना मेरा कि इस बुढ़ापे में एडल्ट स्कूल जाती है, देखो जरा। और साथ में मैं जॉब कर रही थी और जॉब भी मैंने कुत्तों की तरह काम किया, मतलब तो ये जो बातें हो रही है ना ये इन्होंने अपने किसी चैनल पे नहीं बताई। हाँ, मैंने किसी जगह पे ये वर्ड यूज नहीं किए। जो स्ट्रगलिंग फेज है ना अमेरिका में, लोगों को बहुत लगता है आसानी से कि भी वो पता नहीं ये मतलब मॉड स्क्वाड बन के घूम रहे हैं, गाड़ी नीचे है और मतलब कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए आपने, ये नॉर्मल चीज है यहाँ पे, नॉर्मल है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में दूसरी कंट्रीज में ये आपको बड़ा शायद डिफरेंट फील हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आहत की ये जो जैकेट है ना यही $500-600 की है, और ये देखो, और ये मैंने ना असल में ये ले जानी है मैंने जाती दफा। मैं एक बार ही पालू मैं ले जानी है उन्होंने फिर। अब ये देखिए बहुत प्यारी लगी है, बहुत प्यारी लगी है, कॉलर सी जाती है, पैसे खर्चे मैं ले जाऊंगी, मैंने पक्का कर लिया। अब ये ऐसे बना ठना बैठा है ना, इस पे ना जाए, इससे मेरे जब ये जॉब पे होता है आप सबको देखते हैं ना, जितने भी लोग बाहर सेट होते हैं आप लोगों को नजर आती है उनके ब्रांड्स, उनके कपड़े जूते, आपको नहीं पता उनके पीछे क्या कुछ है। आज भी ये इसको यहाँ पे फैमिली है, सब कुछ है, मैं मेरी भी ठीक है, जितनी छोटी सी फैमिली है हमारे साथ है, लेकिन आज भी कई ऐसे वक्त आते हैं जिसमें हम डिप्रेस होते हैं और डिप्रेशन की एक डिप होती है जो यूं जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है कि शायद हम उन लोगों में से है कि जिनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जिनसे प्यार करने वाले बहुत है। आप सब लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। एक और मजे की बात इसमें ये है कि हर बारी मेरी गाल काट देता है। नहीं इसमें सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं इसी में डिप्रेशन की बात पे आपको कर रहा हूँ क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। अच्छा डिप्रेशन मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में इतना लेवल नहीं था डिप्रेशन का कि पता चलता ही नहीं था कि डिप्रेशन है कि नहीं है, क्योंकि हम तो आदि हो चुके थे ना, और जब से हाँ, हाँ, वो नॉर्मल हो गया था। जब से अमेरिका में आए यहाँ पे आके पता चला है कि यार डिप्रेशन नाम की भी कुछ चीज होती है, और ये जो अमेरिकन कहते हैं मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, वो अब आके फील होता है कि यार ये डिप्रेशन और एंजाइटी क्या चीज है। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में या किसी भी और मुल्क में एक चीज बहुत अच्छी है, आपको कोई क्रिटिसाइज करता ही नहीं है, आपको कोई कुछ कहता ही नहीं है, आपको कोई आपके ना मसले में टांग नहीं अड़ाता, तो आप इतने यूज्ड टू हो जाते हैं एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ गुजारने के कि आपको फील ही नहीं होता। हर काम सिस्टम से होना है, हर काम सिस्टम के साथ, हर काम सिस्टम के साथ, हर काम सिस्टम के साथ होना चाहिए। हर काम सिस्टम बैग में डालो भाई,
गाड़ी ले मेरे बच्चे, ये तो चॉकलेट खा भाई। भूखी नहीं है क्या? खाया तो इस वजह से शायद जो है ना आपको डिप्रेशन होता ही नहीं है, और जब डिप्रेशन होता है तो फिर आपको पता चलता है कि ये डिप्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की चीज है। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो हमारे मुल्कों में हो जाता है कि हाय उसने फलाना ब्रांड हाय लुई विटॉन का बैग ले लिया, लाइट इधर से ही आ रही है, तो बस डिप्रेशन हो गया। आहत की सुनो, ये जो कैमरे शोहर जो कहते हैं ठीक है, हम लोग पूछते हैं कैमरे के पीछे कौन होता है, कैमरे के पीछे मेरी बीवी होती है। अच्छा मोस्टली लोग समझते हैं, आप जो आपकी लास्ट वीडियो थी ना, तो बड़े बड़े अजीब से कमेंट भी आ रहे थे, मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने कब दिया नहीं, कभी मैं कोशिश नहीं करता कि इन चीजों अच्छा पे मैं बच्चा है। हाँ तो जो लोग समझते हैं ना जी कि हाँ ये इसी को मिलने आए थे या थे, ये एक जो फ्रेंड्स और जो फैमिली सिस्टम होता है ना वो जरा डिफरेंट होता है। आपको शायद दूर बैठे वो अपनी चस्के ले रहे होते हो भाई, वो हो सोफिया ने मिल लिया या किसी और ने मिल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में मेरी वाइफ भी थी, और अभी जो कैमरे के पीछे भी वो मेरी वाइफ ही है, तो फिर अच्छा नहीं मेरी एक बात सुनो ना, एक चीज बड़ी सिंपल है जो मैंने इन दो सालों में सीखी है या समझी है, सीखी तो खैर नहीं है मैंने अभी, तो मैंने अभी तो मैं तिफल मक्तब हूँ, बहुत छोटी हूँ अभी, तो बहुत कुछ सीखूंगी। एक चीज जो बहुत सिंपल सी है वो ये है कि हमारे मुल्क में हर किसी के जहन में जो दिमाग के ऊपर है ना वो है सेक्स, तो आप हर चीज को सेक्स में रख के सोचते हैं। यहाँ पर जब आप इन मुल्कों में रहते हैं ना, यहाँ पर है काम, हमें यकीन करें काम के अलावा हमारी मत बजी हुई, हमें किसी चीज का टाइम नहीं, हमें नहाने का टाइम नहीं मिलता। पता क्या लोगों के माइंड में एक तो चीज ये है, और दूसरा ये कि वो समझते हैं कि ये ना इसका जो जरिया माश है या जो बनाती पैसे भी आते हैं, पता नहीं किसी और तरीके से आ रहे हैं, और ये पता नहीं बहुत ज्यादा कोई यशी कर रहे हैं, क्योंकि हम वो दिखा, हम जो दिखाना चाहते हैं हम आपको वो दिखाते हैं, समटाइम हम आपको वो नहीं दिखाते जो असल में क्या है। ठीक है